गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपक सोनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग और उसका न्यू एपिसोड। आज गोंडा से मध्य महेश्वर की तक की यात्रा का रहेगा, जिसमें कल हमने गोंडार में स्टे किया था। तो आइए आपको अपना रूम दिखाते हैं। ये है हमारा रूम जहाँ कल हमने होम स्टे किया था, और उसके बाद आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। कल हम जहाँ रुके थे वहाँ पे पर हेड 200 रुपये और खाना अलग से, और रांची से चल के अगरतौली होते हुए पहला गांव गोंडार पड़ता है, जहाँ आसानी से आपको रुकने के लिए कमरा मिल जाता है। जहाँ हम रुके थे उसका नाम है हिमालयन टूरिस्ट लगेज। हेलो गाइस, तो हम लोगों ने गोंडार से 8 बजे का ट्रैक स्टार्ट किया है फिर से बाबा मध्यमेश्वर के लिए। तो ये रास्ते, ये सुंदर नज़ारे, तो ट्रैक की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ, हर हर महादेव। तो चलिए साथ चलिए आप भी। रात भर की बारिश के बाद अब मौसम साफ हुआ है। कल हम लोग 4 बजे रांची पहुंचे थे, तब से लगातार बारिश हो रही थी। अभी 7:30 बजे बारिश बंद हुई है और मौसम देखिए कितना साफ है। इधर सूर्य भगवान है और इधर आपको चांद दिख रहा है, नजारे। गोंडार से आगे 2 नदियों का अद्भुत संगम, फिर उसके बाद पड़ता है बंतोली। आप देख रहे हैं उत्तराखंड के बहुत ही फेमस जूस, जो कि बुरास के फूलों से बना होता है। स्टिंग है, स्टिंग। और तुम्हारा नाम क्या है? आस्था। आस्था, कहाँ गई थी तुम अभी? घूमने गई थी, लकड़ी डोलचीरे की लकड़ी लेने गई थी। और आस्था बहुत प्यारी लग रही है, शर्मा गई है। आप कितने साल के हो? किस क्लास में पढ़ते हो? मैं एलकेजी। एलकेजी? अरे वाह, आता है क्या? आता है आपको सब चीज? ये होटल पंचवटी, जहाँ पे हमने अपना ब्रेकफास्ट लंच किया है। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है, और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे। सबसे प्यारी ये बच्ची है। तो हम लोग गोंडार से चल के खांडरा पहुँच चुके हैं, जो कि गोंडार से 4 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता करके अब मध्यमेश्वर की ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। रास्ते में बहुत ही जोरदार बारिश,
चालू हो गई। तो किसी तरह हम लोग नानू गांव पहुंचे हैं, वहां अभी रुके हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितनी ज़ोरदार बारिश हो रही है और सारे पहाड़ धुंध से छुप चुके हैं। बारिश फिर से हल्की हुई तो हम लोगों ने अपनी यात्रा को फिर से चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसा अद्भुत नज़ारा है रास्ते का। हेलो गाइस, फाइनली कड़ी मशक्क़त और बहुत ही खड़ी चढ़ाई चढ़ के बाबा के धाम को पहुंच ही गए हैं। आइए आपको शिखर दर्शन कराते हैं। वो सफ़ेद झंडा बाबा के शिखर का दर्शन है और उसके ऊपर और बगल का व्यू। ये है पहाड़ों के नज़ारे और ये है हमारा टेंट, ये छोटा सा गांव, और ये है हमारे छोटे पंडित जी। इन्होंने हमारे टेंट लगाने में बहुत मदद की है। आप रात्रि दर्शन कर रहे हैं बाबा मध्य महेश्वर के। यहाँ नेटवर्क इतना लो है कि हमें ऐसे अपने फ़ोन को कनेक्ट करके बात करनी पड़ी। हेलो गाइस, तो आपने जो ये अभी अद्भुत नज़ारे देखे हैं और जो आप देख रहे हैं, ये बाबा मध्य महेश्वर से ऊपर बूढ़ा मध्य महेश्वर की चोटी के हैं, जहाँ पे हम लोग सुबह 4:30 बजे ट्रैक करके आए हैं। और यहाँ के नज़ारे इतने अद्भुत हैं कि यहाँ से वापस जाने का दिल कर ही नहीं रहा है, कि मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहें और ऐसे ही देखते रहें इन वादियों को। और सुकून इतना है कि बस आराम से यहीं बैठे रहें। अभी देख रहे हैं आप बूढ़ा मध्य महेश्वर से बाबा मध्य महेश्वर के दर्शन। अभी आपने देखा हमारे टेंट के बाहर का 360 व्यू, जो कि बहुत ही अद्भुत सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। सुबह की गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। चलिए आपको पूरी मंदिर में दर्शन कराते हैं।
तो हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर का दर्शन कराना बना है, तो आप लोग बाहर भी दर्शन कर लीजिए। मंदिर में दर्शन और रुद्राभिषेक करने के बाद अब हम लोग यहाँ रुके थे। यहाँ पे हमने अपना कैंप लगाया था, वहाँ पे अब ब्रेकफास्ट करके हम लोग वापस रांची के लिए ट्रैक करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको भी अच्छे से दर्शन हुए होंगे बाबा मध्यमहेश्वर के। तो वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हर हर महादेव का जयकार ज़रूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो ये हमारे अनमो भैया कुछ कहना चाहते हैं। बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद। आप सबसे बस इतना ही कहना चाहते हैं, कभी भी मौका मिले तो एक बार यहाँ बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर आइए, इतना अच्छा लगेगा। और बस और क्या कहें, बस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। तो हर हर महादेव।